हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 SST। आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता के कर्तव्य। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी उपभोक्ता के अधिकारों की। उपभोक्ता के कर्तव्य भी बहुत जरूरी है उपभोक्ता को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि यदि उपभोक्ता को न्याय लेना है तो उपभोक्ता के कर्तव्य निभाने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसमें पहला है बिल प्राप्त करना। हमने पहले बात की थी बिल की। बिल किस प्रकार से हो सकता है, बिल में क्या क्या होंगे। पहले टिन नंबर होते थे यहां पर, अभी टिन नंबर की जगह क्या आ गया है, GST नंबर। फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर नंबर, फर्म का पता, वो भी पूरा, और जो आपने वस्तु खरीदी है उसका विवरण भी उसमें होना चाहिए, और उसमें दिन और दिनांक ये भी स्पष्ट होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसकी मोहर, या यूं कह सकते हैं उसके साइन होने चाहिए। ये एक पक्के बिल की विशेषताएं हैं। इनमें से कुछ भी यदि कम होता है तो वो पक्के बिल में ना होकर एक कच्ची स्लिप हो जाती है, वो किसी काम की नहीं होती। फिर से देखते हैं इसमें क्या क्या चाहिए। जो दुकानदार है उसकी दुकान किस नाम से रजिस्टर्ड है वो नाम होना चाहिए, किस नंबर पर रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रेशन का नंबर क्या है वो होना चाहिए, टिन नंबर या GST नंबर क्या है वो होना चाहिए, वस्तु जो उसने बेची है और आपने खरीदी है उसकी डिटेल होनी चाहिए, अमाउंट क्या है, GST क्या लगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो उसके नंबर क्या है, और वस्तु है तो उस वस्तु की डिटेल्स क्या है, यानी कि कब वो लेनी है, किस प्रकार से क्या है, वो सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। दिन और दिनांक भी उसमें मेंशन होना चाहिए कि इस दिन आपने ये खरीदी थी और ये दिनांक था। उसकी मोहर या उसके साइन होने चाहिए जिससे ये वेरीफाई हो जाए कि ये वास्तव में उसी दुकान का बिल है, और उसका एड्रेस भी कंप्लीट होना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप बिल लेते हैं तो कोई भी दुकानदार आपको नकार नहीं सकता, और ये वैलिड कानूनी कार्रवाई के लिए वैलिड होता है। इसमें दूसरा अगर कर्तव्य आपका देखें, उपभोक्ता का यदि दूसरा कर्तव्य देखें तो वस्तु से संबंधित लिखित अलिखित जानकारी लेना, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि जो आपने वस्तु खरीदी है इसमें मैनुअल गाइड आपको मिलेगी। जैसे हमने अभी एक टीवी खरीदा, एक मोबाइल खरीदा, मार्कर खरीदा, पंखा खरीदा, कुछ भी प्रोडक्ट हमने लिया, उसकी जो मैनुअल गाइड आई है उसमें नियम और शर्तें आपको डिटेल से लिखी होंगी। आपने देखा होगा दो चीजें इसमें आपको मिलती हैं। पहली तो मिलती है वारंटी और दूसरी चीज मिलती है गारंटी। आपको ध्यान होना चाहिए वारंटी का अर्थ है केवल और केवल रिप्लेसमेंट, यानी कि चेंज करके देना, सॉरी, गारंटी का मतलब है चेंज करना और वारंटी का मतलब है सुधारना। वारंटी का अर्थ क्या होता है, रिपेयर करके देना, सुधार कर देना, और गारंटी का मतलब क्या है, नया प्रोडक्ट वैसा का वैसा ही आपको देना। ये दोनों अंतर इसमें आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां जब गारंटी की बात करती हैं, वारंटी की बात करती हैं, तो आपको एक गाइडलाइन देती हैं और उसमें नियम शर्तें होंगी। जब वो मोहर लगाता है इस प्रोडक्ट की 5 साल की गारंटी है तो उसमें नियम शर्तें बहुत स्पष्ट लिखी होती हैं, और स्पष्ट रूप से आपसे कहा जाता है कि इन इन मानकों को यदि आप निश्चित रूप से अपनाएंगे तो हम आपको गारंटी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं बाइक का। बहुत सारी बाइकें मार्केट में आज हैं, बहुत सारे स्टैंड चलाते भी हैं। बाइक में एक आता है एवरेज का ऑपरेशन ऑप्शन, यानी कि बाइक एवरेज कितनी देगी। बहुत सारी कंपनियां कहती हैं, फॉर एग्जांपल एक बजाज की बाइक की हम बात करते हैं तो ये कहते हैं 80 से 100 का एवरेज ही दे देती है, लेकिन इसके मानक तय हैं कि जो बैठेगा व्यक्ति उसका वजन 40 से 50 किलोग्राम ही होना चाहिए, वो व्यक्ति सिंगल ही होना चाहिए बाइक पर, और उसकी स्पीड भी कंट्रोल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत, ऐसी स्थिति में जब हमें एवरेज नहीं मिलता और हम इस चीज को क्लेम करते हैं जब कंपनी पर, तो
कंपनी ये सारी चीजें हम पर लागू करती है कि आपने ये चीजें नहीं अपनाई। इसीलिए कहा जाता है वस्तु से संबंधित चाहे लिखित जानकारी हो चाहे ओरल उसने बताया हो, सभी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यदि आप उन शर्तों को लागू करते हैं तभी आपको गारंटी वारंटी या किसी भी प्रकार की शर्तों के लिए कंपनी बाध्य होती है, अदरवाइज नहीं। इसमें आगे देखें श्रेणी क्रम या गुणवत्ता। श्रेणी क्रम गुणवत्ता को हम मार्क भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मार्क भी कहते हैं। जैसे ISI मार्क है, बहुत सारे मार्क स्टैंडर्ड अलग अलग आते हैं सब चीजों के लिए। जैसे सामान्य वस्तुओं का मार्क ISI आता है। जैसे आजकल ट्रैफिक पुलिस की बात करें, यातायात पुलिस, यातायात पुलिस की हम बात करें तो यातायात पुलिस आजकल जो चालान काट रही है हेलमेट का, वो इसलिए काट रही है क्योंकि वे ISI से संबंधित नहीं होते या ISI के मार्क के नहीं होते। ये ISI का सिंबल इस प्रकार से आता है, ISI का सिंबल इस प्रकार से बना होता है और ये स्टैंडर्ड दर्शाता है कि जिस कंपनी ने आपका हेलमेट बनाया है वो कंपनी इतनी स्टैंडर्ड की है कि वो आपके सिर को टूटने से बचा पाएगा हेलमेट, और वो सुरक्षित है आपके लिए, इस बात का सूचक ये रहेगा। तो आप जो भी चीजें ले रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है इसको भी आपको जांचना चाहिए। निम्न गुणवत्ता की चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए। उपभोक्ता का जागरूक होना बहुत जरूरी है क्योंकि उपभोक्ता जब बाजार में जाता है तो कम पैसे के लिए, हल्का सा ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता, कम पैसे के लिए वो उच्च गुणवत्ता को छोड़ देता है और निम्न गुणवत्ता को ध्यान में रखता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आग लगने का कारण स्पार्किंग या लाइट के जरिए होता है। लाइट में इस्तेमाल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वायर यूज करते हैं जिन्हें हम तार भी कहते हैं, और ये तार ISI मार्क के नहीं होने के कारण इसमें क्या होता है, स्पार्क होता है, और स्पार्क से क्या होती है, चिंगारी आती है, और ये आग लगने का एक शॉर्ट सर्किट का क्या बनता है, प्रमुख कारण बनता है जिससे बड़ा या भयंकर हादसा हो सकता है। इसीलिए कभी भी गुणवत्ता से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। यदि दुकानदार आपको गुणवत्ता देने से मना कर रहा है तो वहां से आपको सामान नहीं लेना चाहिए। वस्तु में कमी पाए जाने पर दुकानदार को सूचित करना। बहुत बार ये होता है कि जैसे ही आपने वस्तु ली और वस्तु में क्या होती है, कहीं ना कहीं कोई डिफेक्ट आ जाता है, ऐसी स्थिति में तुरंत आपको दुकानदार को सूचित करना चाहिए। क्यों, यदि आप दुकानदार को लेट या देर से सूचित करते हैं तो दुकानदार उस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मानता अपने आप को। जैसे ही आपने वस्तु इस्तेमाल की, वस्तु आपने ली, यदि उसमें कोई कमी है तो आपको तुरंत किसको सूचना देनी चाहिए, दुकानदार को सूचना देनी चाहिए कि हमने आपकी दुकान से ये वस्तु ली थी और इसमें निम्न कमियां पाई गई हैं। ऐसी स्थिति में दुकानदार यदि उसे उचित रिप्लेसमेंट नहीं देता है, गारंटी वारंटी का काम नहीं करता है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन पहला कार्य आपका है दुकानदार को क्या करना है, सूचित करना है। इसके बाद दुकानदार का क्या रिएक्शन देता है उस पर डिपेंड करेगी आगे की कार्रवाई। शिकायत दस्तावेज जमा करना। अब ये भी कर्तव्य बनता है किसी भी कार्रवाई के लिए तो दुकानदार को शिकायत किया जाना भी, सूचित करना भी क्या है, बेहद जरूरी है। इसके बाद शिकायत के दस्तावेज की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से जो आपके पास दस्तावेज होंगे, दस्तावेजों में क्या होंगे, आपके पास बिल हो सकता है, आपके पास नियम या शर्तों की गाइडलाइन हो सकती है, बुक हो सकती है, उसमें कोई डिटेल्स भरा हुआ, या यूं कहें उसकी शर्तों की साथ साथ जो विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं उनके विवरण भी हो सकता है जिसे हम विवरणिका भी कहते हैं। बहुत बार आपने एड देखे होंगे वस्तु के, उसमें नियम और शर्तें नीचे लिखी हुई होती हैं कि दर्शाए गए विशेषताएं। आपने पेपर में ऐड देखना बहुत सारी चीजों के, उसमें ये लिखा होता है कि जो इस पेपर में बताई गई चीजें हैं वे आप जब शोरूम पे जाएंगे उससे डिफरेंट हो सकती हैं, तो
ऐसी चीजों का, ऐसी शर्तों का, ऐसे नियमों का सहारा लेकर दुकानदार कहीं ना कहीं क्या करता है, बचने की कोशिश करता है। और वो आपको जो चीज, जो क्वालिटी, जो सेवा देना चाहिए था वो नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना है कि सभी दस्तावेज बहुत सुरक्षा से जमा करने हैं, उपभोक्ता न्यायालय या मंच में शिकायत करना, ये अंतिम चीज है। जब आपने दुकानदार से चीजें खरीदी, उसमें कोई डिफेक्ट हुआ, आपने दुकानदार को सूचित किया, उसके उपरांत दुकानदार का पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं है, वो रिपेयर नहीं कर रहा है, गारंटी वारंटी नहीं दे रहा है, तो आप दस्तावेज लेकर कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, उस मंच पर आप शिकायत कर सकते हैं और उपभोक्ता मंच आपकी सहायता करेगा। हमने उपभोक्ता के अधिकार पढ़ लिए, कर्तव्य पढ़ लिए, इसके बाद उपभोक्ता को किस प्रकार से उपाय से सहायता पहुंचाई जा सकती है, उपभोक्ता के लिए क्या क्या कानून बनाए गए उसको हम देखते हैं। पहला कानून तो 1930 में बनाया गया था, तो ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद है 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता अधिनियम पारित हुआ, इसीलिए 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 दिसंबर को यह अधिनियम पारित हुआ था। पहली बार उपभोक्ता की बात की गई थी 1930 में। इसके बाद सेकेंड जो कानून बना वो कब बना, 1986 में 24 दिसंबर को ये पारित हुआ था, इसीलिए 24 दिसंबर को क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर, तीन स्तर इसमें बनाए गए, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। आपसे सवाल क्या क्या पूछेगा ये यहां से आप बहुत अच्छे से देखें। पहला सवाल आपसे बनेगा, भारत में पहली बार उपभोक्ता संरक्षण की बात कब की गई, 1930 में जब गुलाम भारत, उपनिवेश भारत था उसमें की गई। पहला स्वतंत्र भारत का पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो 24 दिसंबर 1986 को बनाया गया। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता संरक्षण के कितने स्तर के मंच बनाए गए, कितने स्तर की न्यायालय बनाई गई, तो तीन स्तर की बनाई गई, जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के बनाए गए। अब यहां तक ही आपकी किताब में दिया गया है, लेकिन इससे आगे की बात भी हमें पता होनी चाहिए। प्रावधान तो ये है कि सबसे पहले कंप्लेंट यहां होनी चाहिए, जिला स्तर पर होनी चाहिए, ये नहीं सुनता है तो फिर कहाँ जाएगा, राज्य स्तर पर, और अंत में कहाँ जाएगा मामला, राष्ट्रीय स्तर पर जाएगा। अब ये ठीक न्यायालय की तरह ही कार्य करता है, सबसे पहले हम जिला स्तर पर कंप्लेंट करें, यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो राज्य स्तर सुनेगा और फिर राष्ट्रीय स्तर सुनेगा। लेकिन यहाँ न्यायालय की तरह से नियम नहीं चलते, यहाँ कैटेगरी डिवाइड की गई है कि 20 लाख तक का मामला यहाँ है, 1 करोड़ तक का मामला यहाँ है और फिर बाकी के मामले यहाँ है। यहाँ ये जो अदालतें तय की गई हैं, ये जो स्तर तय की गए हैं, ये मंच तय किए गए हैं, ये अमाउंट के आधार पर तय किए गए हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जिला स्तर उपभोक्ता मंच, राज्य स्तर उपभोक्ता मंच और राष्ट्रीय स्तर उपभोक्ता मंच, इन सब का जो डिवाइडेशन है वो उपभोक्ता को लॉस कितना हुआ है या उपभोक्ता का जो अधिकार है वो कितने अमाउंट का है, इसके आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया राजस्थान में 87 में, और इसके कितने स्तर हैं, जिला स्तर है और दूसरा है राज्य स्तर, यानी कि राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला जिला उपभोक्ता मंच, जिला अदालत के नाम से जाना जाता है, और दूसरा राज्य उपभोक्ता न्यायालय या राज्य उपभोक्ता स्तर के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए उपभोक्ता अधिनियम में व्यवस्थाएं कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, जो ये हैं, राजस्थान ने कितने प्रकार की, दो प्रकार की, और इसे लागू कब किया गया, 87 में किया गया है। हम आगे देखें तो राजस्थान राज्य आयोग 1987 में लागू हुआ, हमें पता है ये 24 दिसंबर 1986 में बना था, लेकिन राजस्थान ने लागू कब किया था, 1987 में, और इसके नियम की धारा 7 में,
ये प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला, आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में होगा। क्यों? क्योंकि राज्य की राजधानी में सचिवालय होती है, आमवन विधानसभा भी होती है, मुख्यमंत्री सारे मंत्री होते हैं, सारे सचिव होते हैं, और प्रत्येक कंपनी लगभग उस राज्य में काम कर रही है तो उसका मुख्यालय भी कहाँ होता है? राज्य में ही होता है। इसीलिए कंज्यूमर कोर्ट में प्रत्येक कंपनी का आना बहुत आसान हो जाता है, उपभोक्ता भी बहुत आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि राज्य की राजधानी बहुत जरूरी होती है राज्य के लिए। प्रशासनिक अधिकारी सारे आसानी से पहुंच सकते हैं। इसीलिए व्यवस्थाओं के आधार पर आयोग का कार्यालय राजधानी में होगा, इसीलिए ये बनाया गया है ताकि आसानी से सारी व्यवस्थाएं संभव हो सके। राज्य के समान ही कार्य दिवस होंगे। अब इसमें छुट्टियों का क्या प्रावधान होगा, कितने दिन वर्किंग डे होंगे, कितने दिन हॉलीडे होंगे, किस प्रकार से अवकाश इसमें मैनेज किए जाएंगे, तो जो राज्य सरकार का कैलेंडर होगा, राज्य सरकार जितने दिन कार्य दिवस मानती है, राज्य सरकार जितनी छुट्टियां देगी, वे सारे इस पर भी लागू होंगे। अर्थात उपभोक्ता राज्य उपभोक्ता मंच जो राजस्थान का है वो उन्हीं दिनों में काम करता है जिस दिन हमारे वर्किंग डे होते हैं, राजस्थान सरकार के वर्किंग डे होते हैं। शासन व कार्य राज्य के समान ही हैं, यानी कि जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक जो खाका है वो राज्य के समान ही है। अर्थात कुल मिला के ऐसे कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से राज्य के जो सिस्टम बने हुए, राज्य के जो अधिकारी हैं, राज्य के जो ब्यूरोक्रेसी हैं, उन्हीं में से इनको सामित कर लिया जाता है। विनिर्दिष्ट का मतलब है समानता से कार्य करना, और साथ मिलकर ही इसको भी जोड़ लिया जाता है शासन की इकाई के रूप में। जिस प्रकार से सामान्य न्यायालय होता है उसी प्रकार से उपभोक्ता न्यायालय भी बना दिया जाता है। बैठक क्या होती है? जब भी आवश्यक हो अध्यक्ष के द्वारा बुला ली जाती है। राज्य उपभोक्ता मंच की बैठक जब भी हो आवश्यकता होने पर अध्यक्ष के द्वारा बुला ली जाती है। तो राजस्थान राज्य आयोग 87 में जब बना उसके 7वें नियम की धारा में उल्लेख किया गया है कि आयोग का कार्यालय कहाँ होगा? राजधानी में होगा। आपको यहां से दो बातें विशेष ध्यान रखनी है। राजस्थान राज्य आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग जो बना वो कब बना? 87 में बना। इसके कितने स्तर थे? दो हमने पढ़े, राज्य स्तर और जिला स्तर। तो राज्य आयोग जो बनेगा वो 7वीं नियमावली के अनुसार बनेगा, जिला स्तर पर बनेगा 4थी नियमावली के अनुसार। एक बात तो ये याद रखनी है। इसके प्रावधान हमने देख लिए, जिला स्तर के प्रावधान हम देखते हैं जो कौन सी नियमावली में है, 4थी नियमावली में है। कार्यालय कहाँ होगा? सेम है सारे के सारे, ये और ये सेम ही है, जिला मुख्यालय पर। इसका कहाँ होगा? राजधानी मुख्यालय पर। दिवस और कार्य कौन से होंगे? सरकार के समान। बैठक कौन बुलाएगा? अध्यक्षता। और जो जिला प्रशासन है वो ही उसमें भी काम करेगा, यानी कि जिला प्रशासन के अधिकारी भी उसमें शामिल हो सकते हैं, या सरकार चाहे तो जिला के अधिकारी को उसमें कार्य के दे सकती है या उसमें किसी को भी नियुक्त कर सकती है। जिस प्रकार से बाकी संगठनों को चलाने के लिए सरकार की ब्यूरोक्रेसी काम करती है, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं, इनमें भी वे सरकारी कर्मचारी काम करेंगे। नियुक्ति वगैरह सब राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार केवल केंद्रीय जो राष्ट्रीय स्तर का जो है उसका नियुक्ति देखेगी, और ये अलग अलग प्रकार से कार्य करेंगे। तो इसमें से सवाल सिर्फ इतने ही बने, राजस्थान में कितने प्रकार के उपभोक्ता मंच हैं? दो प्रकार के, राज्य स्तर का और जिला स्तर का। राजस्थान में राज्य उपभोक्ता मंच कब बना? 1987 में बना, और इसके नियम कौन से नियमावली में? 7वीं नियमावली में है, जो निम्नलिखित है। राजस्थान में जिला स्तर का न्यायालय कब बना? 87 में। इसके नियम कौन से में है? 4थी नियमावली में है, जो निम्नलिखित है।